नहीं, कोई कांग्रेस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और जहां पे जब उनका दम घुट रहा था यहाँ, और जब वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का हरियाणा में कोई भविष्य नहीं है, तो जहां उन्हें भविष्य अपना सुरक्षित लगता है वहां वो जा रही हैं। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लगता है कि जो टिकट नहीं मिला उनकी बेटी को, इसकी वजह से छोड़िए उन्होंने पार्टी को, नाराजगी तो लंबे समय से, उससे पता लगता है ना कि टिकट नहीं मिला बेटी को इसलिए वो छोड़ रही है। जब उनको ये नहीं लगा कि उनको हर बार टिकट भी दिए, उनको विधायक दल का नेता भी बनाया गया, उनकी बेटी को वर्किंग प्रेसिडेंट भी बनाया गया, उनकी बेटी को टिकट दिया एमपी भी बनाया गया। जब इस बार कांग्रेस नेतृत्व ने दूसरा आदमी का नाम दिया तो उनका कांग्रेस में भविष्य सुरक्षित नहीं लगा। जहां सुरक्षित लगाया, ये तो हर व्यक्ति का अपना अधिकार है, जहां उसे अपना भविष्य सुरक्षित लगेगा वहां जाएगा। विचारधारा से कोई मतलब नहीं। कारण क्या? ये सिर्फ ड्रामा जो चल रहा था कि जो बात कर रही थी बंसीलाल जी की लीगेसी से, ये वही किरण चौधरी हैं जिन्होंने 2019 के चुनाव में धर्मवीर से भी मिलकर के और दुष्यंत चौटाला से मिलकर के नैना चौटाला को वहां सपोर्ट किया, और बंसीलाल जी के बड़े सुपुत्र चौधरी महेंद्रा को इन्होंने हरवाने का काम किया था, उनके खिलाफ काम किया था, और उनसे मिलकर के अपने यहाँ अपने एक आदमी को टिकट दिलवाने का काम किया था जो कि रिजर्व कैटेगरी से आता। ये तो पहले से ही, ये वही किरण चौधरी हैं जिन्होंने अजय माकन को हरवाने का काम किया था राज्यसभा के चुनाव में। जो इस तरह से कांग्रेस में रह करके जो कांग्रेस के साथ विश्वासघात करने में लगी उनकी, आज वो कहती है कि कांग्रेस में भविष्य, अगर जो बेटी को टिकट मिल जाता तो भविष्य कांग्रेस का सुरक्षित है, बेटी को टिकट नहीं मिला इसलिए हरियाणा में कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। जिस कांग्रेस को 47.6% वोट अर्जित किए, जो कि पूरे इंडिया गठबंधन का पूरे हिंदुस्तान में सर्वाधिक है, जो कांग्रेस पार्टी पहले लोकसभा 0 से बढ़कर के 5 सीट पर लेकर गई, जो कांग्रेस पार्टी का 19.5% वोट बैंक बढ़ा है, वोट शेयर बढ़ा है, और बीजेपी का 11.5% वोट शेयर घटा है, जिस कांग्रेस पार्टी की 10 विधानसभा पर लीड थी 19 के लोकसभा चुनाव में, आज 46 पर है, और जिनकी 79 पर थी वह आज 44 पर है। आज उस कांग्रेस में उनको भविष्य नहीं लग रहा, क्योंकि वो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई थी, वो जहां उनका तालमेल चल रहा था वो वहीं पर गई है, वो तो पहले से पता था उनका जो गंतव्य स्थल है।